ओके लेट्स डू दिस आज मेरे पास तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स एंड इस वीडियो के एंड तक आप लोग ये पक्का डिसाइड कर लोगे कि आपको अपने गेमिंग सेटअप में इन तीनों में से कौन सी चेयर इंक्लूड करनी चाहिए लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हमारे पास है एक ऑफिस चेयर उसके बाद हमारे पास है एक गेमिंग चेयर एंड यहाँ पर हमारे पास पड़ी है एक चेयर एंड सबसे पहले मैं कवर करना चाहता हूँ दोनों चेयर के कम्पेरिजन में सबसे कम फीचर्स और फ्लेक्सीबिलिटी मिलती है काफी बेसिक सी चेयर है इसमें आप सिर्फ हाइट एडजस्ट कर सकते हो और थोड़ा बहुत रॉकिंग मोशन आप लोगों को मिल जाता है बट उसके अलावा आप लोग इसका बैक रेस्ट जो है उसको टिल्ट या किसी भी एंगल में एडजस्ट नहीं कर सकते हो इसको आप नहीं छेड़ सकते हो एंड साथ ही साथ ना ही आपको कोई लंबा है एंड मेरे हिसाब से चेयर उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है जो अपनी चेयर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते हैं वो सेम पोजिशन में डेली बैठ सकते हैं एंड कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको अपने पोस्टर में भी कोई दिक्कत फील नहीं होती है चेयर के मामले में इसकी थोड़ी सी कर्वी शेप है जो इसकी बैक है वो थोड़ी सी कर्व है तो उस हिसाब से आपका जो बैक पोस्टर है वो थोड़ा सा एगोनॉमिक तो रहता है बट क्योंकि इसमें ज्यादा एडजस्टेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ी देर के बाद टायर फील करो और अगर आप उस चीज को इग्नोर कर देते हो और लंबे टाइम तक इसी चेयर को यूज करते रहते हो तो हो सकता है कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद हम चलते हैं इस कमरे में प्रेजेंट सबसे पॉपुलर चेयर की तरफ जो कि है एक गेमिंग चेयरेंट कलर वेज में आती so आप लोग अपने अप के से ऑलमोस्ट अप सभी अपू वन एटी डिग्रीज एक लाइन कर सकते हो एकदम फ्लैट हो जाते हैं वो पैरल टू द ग्राउंड इनकी हाइट एडजस्ट करने के साथ साथ आप लोग इनके आर्म रेस्ट की भी हाइट और स्विवल एडजस्ट कर सकते हो लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो डाउन मूव कर सकते हो आगे पीछे भी मूव करके अपनी आर्म्स के हिसाब से उनको सेट कर सकते हो उसके साथ साथ आपको जनरली सभी गेमिंग चेयर्स में एक नेक सपोर्ट और एक लंबार सपोर्ट पिलोज भी मिल जाते हैं बहुत ही स्नग बहुत ही सी फीलिंग आती है इन चेयर्स के ऊपर बैठकर ड्यू टू द डिजाइन अब कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं इन गेमिंग चेयर्स के बारे में सबसे पहले तो यही है कि यार <laughs> ये महंगी चेयर ये बहुत महंगी चेयर्स हैं आई मीन एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है और वो उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती सपोज आप थर्टी फिफ्टी का बजट लेकर चल रहे थे बट आपने फिर थर्टी सिक्सटी पर शिफ्ट हो गए या थर्टी सेवेंटी पर शिफ्ट हो गए तो वो जो मनी स्पेंड करी आपने एक्स्ट्रा दस बीस हजार वो आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे देन स्पेंडिंग ऑन गेमिंग चेयर सेकेंड डाउन साइड यह है कि ये ंगस चेयर्स हैं ये बहुत ह्यूज साइज चेयर्स हैं एंड आपको अपने गेमिंग सेटअप के अंदर एक अच्छा खासा स्पेस एक अच्छा खासा रूम चाहिए इनके ऊपर बैठने के लिए और इनको ठीक से एंजॉय करने के लिए मूविंग ऑन अब चलते हैं हमारी थर्ड और फाइनल कैटेगरी की तरफ जो कि है इकोनॉमिक चेयर्स एंड इन चेयर्स को भी जनरली लोग ऑफिस यूज की तरह यूज करते हैं और गेमिंग सेटअप में यूज करना कम पसंद करते हैं ड्यू टू द लुक्स बट बिलीव मी जितना पैसा आप इन गेमिंग चेयर्स के ऊपर स्पेंड करोगे अगर आप उतना ही पैसा इन इकोनॉमिक चेयर्स के ऊपर स्पेंड करोगे तो आप लोगों को एक बहुत ही बेटर प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एडजस्टेबल फीचर्स है वो आप लोगों को गेमिंग चेयर से भी ज्यादा मिलता है एंड दे मेक मोर सेंस आई मीन कमोन कितनी बार ऐसा होगा कि आप एक गेमिंग चेयर्स के बैक रेस्ट को पूरा 180 डिग्रीज तक रिक्लाइन करके उसके ऊपर लेटोगे

मार्केट से भी इजीली मिल जाएंगी या ऑनलाइन भी मिल जाएंगी उनको ना बाय करके एक अच्छे ब्रांड की एक महंगी एर्गोनॉमिक चेयर बाय करो जो कि आप लोग बहुत लंबे समय तक भी यूज कर लोगे उनकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है ड्यूरेबल भी बहुत होती है बट लेट्स सपोज कि आप लोगों का स्पेसिफिक पर्पस है गेमिंग चेयर लेना फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूं तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ऑन कैमरा अगर एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें दिखानी है तो डेफिनेटली आई एल गो विद दिस चेयर क्योंकि ये दिखने में बैकग्राउंड में बहुत अच्छी लगती है आपके सेटअप को एनहांस करती है वो एक गेमरी लुक लेकर आती है आपके सेटअप में तो अगर आपको गेमिंग चेयर्स के तरफ ही जाना है स्पेसिफिकली इन टाइप ऑफ चेयर की तरफ देन गो विद ग्रीन सोल मॉन्स्टर ये आप आंख बंद करके ले सकते हो मैं खुद यूज कर रहा हूँ इस चेयर को काफी टाइम से तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बाकी गेमिंग चेयर के कम्पेरिजन में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये एंड अगर मैं बात करता हूँ इन चेयर्स की तो ये टिपिकली ऑफिस चेयर एंड आई थिंक इनको वही रहने दो सो दिस इज इट गाइज अर डू ग्रीन सोल फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल अगर आप लोगों ने इनकी कोई भी चेयर लेनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलियट लिंक से परचेज कर लेना एंड यस फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर इन चेयर का पेज चेक करना मत बोलना वहां मेरी एक्सक्लूसिवीडियो मिल जाएंगी जो मैंने यूट्यूब पर नहीं डाली है ना ही डालने वाला हूं जरूर तो चेकआउट करना उनको भी हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आलियोस